गुड़ का खीर या गुड़ का पायस बनाने के लिए हमने 1 लीटर मिल्क लिया है जो काऊ मिल्क है। आप चाहे तो आप फुल क्रीम या टोन्ड मिल्क ले सकते हैं। मैंने 1 लीटर लिया है और अभी इसको उबालने के लिए रखा है। इसके साथ साथ हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए ये देख लेते हैं। मैंने यहाँ गोविंदभोग चावल, गोविंदभोग राइस ये थोड़ा सा वॉश करके यहाँ रखे हैं। ये लगभग 2 टेबलस्पून्स इसमें रखा है। अब इसको मैं पानी से भिगो के रखूँगी थोड़ी देर के लिए। इसके अलावा किशमिश, काजू, ये रोस्टेड काजू है, ये मिल्क पाउडर है 2-3 टेबलस्पून्स, और दिस इज़ 1 टेबलस्पून ऑफ घी, और ये है गुड़ जैगरी, ये डेट पाम जैगरी है, ये खजूर का गुड़ है। गोविंदभोग चावल को मैंने भिगो दिया है और ये अभी 20 मिनट्स तक भिगो के रखना है हमें, जब तक हमारा ये दूध बॉयल ना हो जाए। 1 लीटर मिल्क ये जब उबाल के इसके हाफ हो जाए उसके बाद ही हम इसमें ये जो राइस है, गोविंदभोग चावल है, वो ऐड करेंगे। दूध को ऐसे ही हमें उबालना है और गाढ़ा करना है। आप चाहे तो इसे धीमे आंच पे भी पका सकते हैं या आप चाहे तो हाई फ्लेम में इसको गाढ़ा कर सकते हैं। 10-15 मिनट बाद दूध जब थोड़ी गाढ़ी हो जाए तो अब हम ये गोविंदभोग चावल जो हम भिगो के रखे थे ये मिक्स करेंगे। बट मिक्स करने से पहले इसको थोड़ा घी से मलेंगे, जो घी रखा था इसे अच्छे से मल के फिर इसको इसमें डालेंगे। चावल डालने के बाद लगातार हमें ये करछी चलाना पड़ेगा, अदरवाइज ये जल सकता है। और 10 मिनट के लिए हमें ये चावल जो है इसको पकने के लिए हमें छोड़ना पड़ेगा। चावल पक रहे हैं और अब हम इसमें जो मिल्क पाउडर हमने रखे थे वो ऐड कर देंगे। मिल्क पाउडर से ये खीर जो है ये और भी स्वादिष्ट हो जाएंगे। और जैसे हमने ये गोविंदभोग चावल, इसका एक अलग सा एरोमा है, ये जैसे हमने दूध के साथ मिक्स किया एक बहुत ही अच्छा खुशबू आने लगी है। और इसके साथ हम जब गुड़ ऐड करेंगे, द जैगरी, द डेट पाम जैगरी, उससे तो उसका खुशबू बहुत ही अच्छा आने लगेगा। इसमें इस खीर में हमें कोई भी अलग एसेंस लाइक छोटी इलायची या जाफरान या ये सब बिल्कुल नहीं ऐड करना है, क्योंकि जो गुड़ है उसका जो एरोमा है, उसका जो महक है, उसे इसमें भरपूर आने चाहिए। तो इसमें और हम कुछ भी नहीं ऐड करेंगे गुड़ के अलावा। अब हम इसको चलाते रहेंगे करछी को जब तक चावल ठीक से पक ना जाए और दूध और थोड़ा गाढ़ी ना हो जाए। चावल पक गए हैं और हमारा ये दूध भी काफी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसको गैस ऑफ करके फिर मैं इसमें गुड़ डालूंगी। गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमी करके आप गुड़ डाल सकते हो या तो गैस ऑफ करके फिर आप गुड़ डाल सकते हो। दूध फटने की चांसेस होती है इसलिए मैं इसको ऑफ करके फिर गुड़ डालूंगी। इसको हम 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे, उसके बाद मैं इसको मिक्स कर 2-3 मिनट के बाद
अब मैं धीरे धीरे गुड़ को मिक्स करूंगी खीर के साथ। There is a color change, you can see. गुड़ धीरे धीरे मिक्स हो रहा है और ये स्लाइट ब्राउनिश कलर में चेंज हो गया खीर। अब इसको ठंडा करके एंड देन यू कैन सर्व इट। इसमें कोई भी तरह की इलायची और कोई भी एसेंस हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि गुड़ का एक अलग महक होती है और वो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस खीर। गुड़ अब अच्छे से घुल गई है इसके साथ। नाउ वी कैन सर्व द डिश आफ्टर इट कूल्स डाउन। अब देख सकते हैं कलर इसका चेंज हो गया है, बिल्कुल व्हाइटिश कलर से थोड़ा सा गुड़ का जो कलर है उस टाइप का हल्का सा ब्राउन कलर ये बन गया है। ये अब बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसको हम सर्व करेंगे ठंडा होने के बाद। गुड़ की खीर ठंडा होने पे ऐसे दिखेंगे और अब हम इसे सर्व करेंगे। इफ यू लाइक द रेसिपी देन प्लीज डू लाइक शेयर and comment to the channel, YouTube channel, Sanchita's Kitchen.